25 एमपी है हमारे कर्नाटक में, कर्नाटक के डेवलपमेंट के लिए मुंह नहीं खोलते, डरते हैं मोदी जी से। 165 आउट ऑफ विच वी फुलफिल्ड 158, जो हम बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। सालाना 2 करोड़ जॉब देंगे, 1 करोड़ दिए तो भी हमें उनको वोट देंगे। कर्नाटक को कुछ नहीं मिला है, 5300 करोड़ अपर भद्रा को मिला, लास्ट टाइम उन्होंने 600 दिए थे उनके मैनिफेस्टो में, अभी उनके हिसाब से सिर्फ 50 हुए हैं, उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। आपको उम्मीद अभी है तो भगवान ही आपको बताए। पिछले 9 साल से अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट। This video present by Mannur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bare Hill Circle Ring Road, Gulbarga. Numbers है budget book में वो बोल रहे हैं, employee provident fund from 18,000 it's come to 9,000. किसानों PM किसान योजना 50% reduction. निम्न आपका फर्टिलाइजर सब्सिडी ऑलमोस्ट 30% रिडक्शन, पीएम आवास योजना ऑल अनदर 11% रिडक्शन। सो दिस नॉट व्हाट आई एम सेइंग, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बजट बुक बोल रहा है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये एंटी मिडिल क्लास एंटी लोअर इनकम ग्रुप नहीं हुआ क्या? कर्नाटक को कुछ नहीं मिला है, 5300 करोड़ अपर भद्रा को मिला, उसको कुल मिला के 23,000 करोड़ है। ये 5,000 करोड़ से होने वाला क्या है? निर्मला सीतारमन जी अभी नहीं, पिछले 8 साल से यहाँ चुन के गए हैं, कर्नाटक को क्या दिए एक लिस्ट दीजिए। अगर आपको आपको आप सहमत है उस लिस्ट से तो मैं भी सहमत हूँ। अगर आपको उम्मीद अभी है तो भगवान ही आपको बताए। पिछले 9 साल से अनएम्प्लॉयमेंट इज दी हाइएस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, दिस इज दी हाइएस्ट। MSME सब बंद हो चुके हैं, क्या हुआ उनका? 20 लाख करोड़ का पैकेज जो था ना MSME का, क्या हुआ उनका? मेक इन इंडिया का प्रोग्राम कहीं दिखाई दे रहा आपको? स्किल इंडिया का कहीं दिखाई दे रहा आपको? आप दिखा दीजिए कि हाँ भाई, इनके सरकार में वो बोल रहे थे ना 2 करोड़ हर साल, सालाना 2 करोड़ जॉब देंगे, 1 करोड़ दिए तो भी हमें उनको वोट देंगे। देखिए लास्ट टाइम उन्होंने 600 दिए थे उनके मैनिफेस्टो में, अभी उनके हिसाब से सिर्फ 50 हुए हैं, उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। तो क्या व्हाट एक्सपेक्टेशन है? उनके उम्मीद ही नहीं है मुझको। 165 आउट ऑफ विच वी फुलफिल्ड 158, जो हम बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। उनका रिव्यू बोल रहा है कि बजट रिव्यू बोल रहा है कि 53% ओनली इज कम्प्लीट। सिर्फ आप लोग ही ख्वाब दे रखते हैं। और रेलवे डिवीजन नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ के एमपी को इंटरेस्ट नहीं है। अब 25 एमपी है हमारे कर्नाटक में, कर्नाटक के डेवलपमेंट के लिए मुंह नहीं खोलते, डरते हैं मोदी जी से।